खरीदे किसान बदलते भारत की शान। नहीं दे रही, कहाँ गई है? रतन उसे हाथ लेकर गया है। पापुरी, मुझे रतन की चिंता सता रही है। खेती बाड़ी में उसका जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है। अब मेरा उम्र हो चुका है, मैं पहले की तरह कठोर मेहनत नहीं कर सकता। सोचा था कि जवान बेटा है, खेती बाड़ी संभाल लेगा और बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? आजकल के जमाने में कौन अपने संतान को अनपढ़ बनाकर रखना चाहते हैं? जो गरीब है वो भी अपने बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। आज के युग में शिक्षा के बिना किसी का गुजारा हो सकता है क्या? तुम समझ नहीं पा रही हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैंने रतन को स्कूल भेजने के बजाय खेती बाड़ी के काम सिखाया होता तो आज वो खेती बाड़ी के काम को नापसंद नहीं करता। जब मैंने उसे पढ़ाने का फैसला किया था तब मेरे मन में भविष्य को लेकर
एक सपना था। उस समय मैंने सोचा था कि जिस ज्ञान रूपी रत्न को पाने के लिए मैं वंचित हो गया था, मेरा रत्न उस ज्ञान की रोशनी को प्राप्त कर सकेगा और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो आधुनिक तरीकों से खेती करेगा, अपने परिवार को और गांव को खुशहाल बनाएगा और नई जमाने में नई नई तरकीबों को अजमाकर खेत में फसल रूपी सोना पैदा करेगा और गर्व से मेरा छाती चौड़ा हो जाएगा। सभी लोग कहेंगे कि देखो वो, देखो मोहन का बेटा अजय जा रहा है। आपके दर्द को समझ सकती हूँ जी, पता नहीं आजकल के लड़की को क्या हो गया है, पढ़ने लिखने के बाद किसी को खेतीबाड़ी में मन नहीं लगता, सभी शहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। शहर की मृग तिसना अपनी ओर खींचती रहती है। अपने गांव के ही कितने लड़के पढ़ने लिखने के बाद शहर जाकर कमाने लगे हैं। वे अब गांव लौट कर आना नहीं चाहते। तुम ठीक ही कह रही हो बापरी, गांव में रहने वाले लोगों को शहर की चकाचौंध जिंदगी भाने लगी है। लोग देसी विदेशी बनने में बड़ापन महसूस करने लगे हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि ये चौकाचंद, ये बड़ापन सिर्फ कुछ दिनों का है। भूमि बंजर हो जाएगी, सब इस तरह से एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक लोग भागते रहेंगे तो जिंदगी के मायने क्या रह जाएंगे? आने वाले कल के बच्चों का भविष्य का क्या होगा? कहां से आएंगे हरी भरी सब्जियां? मिलेंगे अन्न, दालें होंगी? जब पैदावार ही नहीं होगी तो बेहतर शिक्षा से क्या अपने पेट भरे जाएंगे? आज प्रदेश तथा गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारा गया है। हर जगह में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले गए हैं। कृषि के लिए नई नई टेक्निक को अजमाई जा रही है ताकि सब लोगों को घर बैठे ही मूल सुविधाएं मिल सके, परंतु इनका फायदा किस हद तक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है ये किसी को ज्ञात नहीं है। मैं तो एक ही बात समझता हूं, हम किसानों के लिए खेत ही माँ है और हमें अपने खेत से हरगिज दूर नहीं जाना चाहिए। पता नहीं ये रतन को इन सब बातों का क्यों नहीं समझ है। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि, हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत, आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल, मेहनत है ये नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मैं तुम्हें वो सारी सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूं। हमारी शादी के 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इतने दिनों में मैं तुम्हारे लिए कोई नए गहने भी नहीं खरीद पाया हूं। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना भी तो मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा ना, मैं आपके संग दुख सुख में हर हाल में सुखी रह सकती हूँ। मैंने कपड़ों या कीमती गहनों के लिए आपसे शादी नहीं की है। मैं खुद एक साधारण किसान की बेटी हूँ और मैंने अपनी सहमति से आपसे शादी की है। पता है क्यों?
क्योंकि आप मुझे पसंद हो। जानती हो रूपा, मैं वो दुनिया की सारी सुख तुम्हारे दामन पे लाके रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे शहर जाकर नौकरी करनी होगी, पैसे कमाना होगा। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर जाएं। मैं तो रुखे सुखे में भी आपके संग गुजारा करने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप गांव में रहकर ही खेतीबाड़ी का काम करें, आधुनिक तरीके से फसल पैदा कर सकते हैं? देखिए, इस तरह आप गांव के नौजवानों को राह भी दिखा सकते हैं और गांव में खुशहाली भी ला सकते हैं। रूपा, मैं इसके बारे में बहुत सोचा, मुझे खेतीबाड़ी में कोई भविष्य नजर नहीं आता। मैं पिताजी को देखता हूँ, वो इतने मेहनत करने के बाद भी उन्हें परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। खेती अब घाटे का सौदा बन चुकी है। ये ठीक है कि पुराने तरीकों के चलते खेती में उतना लाभ नहीं हो रहा, मगर आप पढ़े लिखे हैं, आप पुराने तरीकों की जगह नए तरीके आजमा सकते हैं, घाटे की खेती को मुनाफा पे बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर पाना मुमकिन है, और तुम समझने की कोशिश करो रूपा, गांव में आपको ये भविष्य नहीं रह गया है। मुझे जो शिक्षा मिला है उसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग शहर में ही हो सकता है, वहां पे रोजगार का अवसर मिलता है और योग्यता के खातिर तरक्की करने के मौके भी मिलते हैं। अगर शिक्षा प्राप्त करने के बाद सारे युवा शहर की तरफ पलायन करते रहेंगे तो गाँव का क्या होगा? देखो रूपा, मौसम में हो रहे अनियमित परिवर्तन ने किसानों की जिंदगी कतर में पहुंचा दिया है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो किस तरह से खेतों को सुचारू ढंग से चलाए और मुनाफा करे। इस अनियमित परिवर्तन के कारण किसानों की जिंदगी में कई सारे समस्याएं पैदा हुई है, जैसे फसल की कटाई में देरी, पैदावार बढ़ाने के लिए अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, कृषि का अधिक खौसला होना। अब कृषि बस एक घाटे का सौदा बनकर रह गया है। पहले खेतों में खर्च 9 के बराबर होते थे, अब तो रासायनिक उर्वरक की जैसी हौर मसी हुई है, इसी कारण खेतों की खर्च आजकल बहुत बढ़ गया है। कुछ वर्ष पहले खेतों में अधिक संख्यक पेड़ पौधे होते थे, जिसके कारण आदमी को गर्मी का एहसास नहीं होता था और कामों में मन भी लगा रहता था, लेकिन अब लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे को काट दिया है। साफ है कि मौसम के परिवर्तन ने किसानों के जीवन को झकझोर दिया है, उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान भी पहुंचाई है, लेकिन मैं गांव में रहकर ऐसी बदहाली जिंदगी नहीं गुजार सकता हूं। चलिए, तुम रतन को समझाती क्यों नहीं? वो अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाए, घर की जिम्मेदारी उठाए। माँ जी, वो शहर जाने की बात कर रहे हैं। शहर में उनका कोई दोस्त है जो उनके लिए नौकरी ढूंढ रहा है। जैसे ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी वो शहर चले जाएंगे। फिर हम लोगों का क्या होगा? वो कहते हैं कि शहर में रहने का इंतजाम हो जाएगा तो हम सबको अपने साथ ले जाएंगे। ये कैसी बात हुई? हम अपने घर, समाज और गांव को छोड़कर कैसे रह सकते हैं? अपने पुरखों के खेत खलिहान को छोड़कर शहर में कैसे रह सकते हैं? मैंने भी उनसे यही बात कही थी, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। शहर जाकर किसी का नौकर बनकर कमाना पड़ेगा, जबकि गांव में अपने खेतों का मालिक बनकर खुद अपनी किस्मत को संवार सकता है, अपने परिवार के साथ ही
गांव का भी भलाई कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि गांव में मौसम के भरोसे साल में एक ही बार खेती होती है। इस तरह की खेती में सिर्फ नुकसान ही उठाया जा सकता है, फायदे की तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। मैं मानती हूँ कि पहले की तरह खेतों में इतनी लाभ नहीं है, मगर सिर्फ इसी बात के चलते सारे किसान क्या खेती करना छोड़ देंगे? क्या बताऊं माँ जी, वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हेलो अनुपम। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रहा था। दोस्तों वो नौकरी मिल जाएगी ना? शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देखो ना, बीए की डिग्री लेकर घर में यूं ही बैठा हुआ हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता। हाँ हाँ, मैं मेरी मेहनत और प्रतिभा सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे एक बार नौकरी मिल जाए ना, तो मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे दोस्त, तुम जब बुलाओ तब मैं गांव से रवाना हो जाऊंगा। शुक्रिया दोस्त। मैंने बहुत से बात की थी। अच्छा, क्या कहा उसने? और रतन को समझा कर थक चुकी है। रतन के सर पर शहर का भूत सवार है। मैं जानता हूँ पापोरी, आजकल के सभी लड़के शहर के चौका चौंध के पीछे भाग रहे हैं। रतन के कई दोस्त पहले ही शहर जा चुके हैं, संगत का असर तो होगा ही। जवान बेटा है जी, हम उस पर दबाव तो नहीं डाल सकते। अगर ज्यादा दबाव डालेंगे तो नाराज होकर चला जाएगा। मैं समझता हूँ पापोरी, रतन हमारा एक लौता बेटा है, वही हमारे बुढ़ापे के सहारा है। बहुत उम्मीदों के साथ हमने उसे पाला पोसा है। अगर वो शहर जाना ही चाहता है तो हम उसके राह में बाधा नहीं बनेंगे। जीवन के अनुभव से ही उसे सही और गलत का फर्क समझ में आएगा। पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। एक बात कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। मेरे दोस्त अनुपम ने शहर में मेरे लिए एक नौकरी की बात की है, मुझे जाना होगा। कब जाना है? परसों सुबह ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा। शहर में जाकर रहोगे कहाँ? आप
कुछ दिन अनुपम के साथ ही रहूंगा, फिर एक किराए के मकान ले लूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम जहां भी रहो खुश रहो, तुम्हारे खुशी ही हमारा खुशी है। मैं जानता हूं पिताजी, मेरे ये शहर जाने के फैसले से आप खुश नहीं है। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, सही गलत का फैसला तुम कर सकते हो। अपने पूर्वजों के गांव, परिवार, समाज के लिए तुम्हारे मन में कोई आकर्षण नहीं है। शहर की चौकाचंद भरी जिंदगी ने तुम्हें आकर्षित करने लगी है। ऐसी बात नहीं है पिताजी, गांव से मुझे कोई नफरत नहीं है। सवाल जीविका का है, सिर्फ और सिर्फ खेत से हमारी जीविका नहीं चल सकती। खेतों अब घाटे का काम बन चुकी है और ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जिस अनुपात से खेतों की लागत बढ़ रही है, उस अनुपात से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, और इसी वजह से आज ज्यादातर किसान खेतों बारी छोड़ कर बाहर निकलने की सोच रहे हैं। किसानों की लागत में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सिंचाई सुविधाओं पे होने वाले खर्च पे हुई है। आज किसान खुद जीने के पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन समस्या का समाधान भी किया तो जा सकता है बेटा। मुझे तो कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहे हैं पिताजी। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पहली बार रतन घर से दूर बाहर रहने जा रहा है, किस तरह वो रह पाएगा? तुम उसे माना क्यों नहीं करती बहू? आप उनकी चिंता क्यों करती है माँ जी, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। माँ हूँ ना, माँ की दिल मान ही नहीं रहा है बहू। जाने दीजिए माँ जी, जाएंगे तो शहर और गांव का फर्क समझ में आएगा, अपने और पराए का फर्क समझेंगे, घर और परदेश का फर्क समझ में आएगा। भगवान तेरा भला करे। अच्छी नौकरी मिलते ही वो हम सबको अपने पास बुला लेंगे और हम सब साथ साथ रहेंगे।